पृथ्वीलोक से बच्चों की आवाज? चलिए बालवीर देखते हैं। रानी परी प्लीज कैसे भी करके हमें मैजिक का पहुंचा दीजिए ना प्लीज। रानी परी है ये तो मानव। हाँ रानी परी, हम सबके पेरेंट्स सबके अपने कामों में बहुत बिजी है। अगर उनके हिसाब से चलेंगे तो हमारा इमेजिका देखने का नंबर अगले साल से पहले नहीं आएगा। रानी परी, हम आपसे प्रॉमिस करते अगर आप हमें इमेजिका दिखा दोगी तो हम इस साल आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। प्लीज 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 रानी परी, कोई हल निकालिए ना हमारे प्रॉब्लम का। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब हमें कोई भी बच्चा अपनी इच्छा बताता है तो हमें अगले ही पल उसकी इच्छा के बारे में पता चल जाता है। पर हमारे प्यारे बालवीर को बच्चों के मन का हाल तो पहले से ही पता होता है। बालवीर, यदि पृथ्वी लोक के बच्चों का इमेजिका जाने का इतना ही मन है तो ठीक है, हम पृथ्वी लोक के बच्चों की इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। आएगा बड़ा मजा, जाऊंगा इमेजिका। आएगा बड़ा मजा, जाऊंगा इमेजिका। शुक्रिया रानी परी, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन सलोनी, निकलो बाहर। आया आई। चलो चलो, कितना लेट हो गया। पकड़ अपना टूथब्रश, पकड़ पकड़। अरे पकड़ ना। ये क्या, मानव का है? सो रहा है। अभी तक सो रहा है? अरे उठा उसको सचिन। उठा उसको, जल्दी उठा। जा जा, चल चल चल, कितना काम बाकी है अभी तो। आखिरकार में मैजिका पहुंच ही गया। अब हर एक झूले पे मैं 10 बार राइड लूंगा। यस! वाओ! वाओ! ये लो बेटा आइसक्रीम। नहीं अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा ये आज के दिन इमेजिका की तरफ से फ्री है। हाँ? फ्री? देन गिव मी 3। ये लो। ये आइसक्रीम मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे मेरी आइसक्रीम तो मुझसे दूर क्यों भाग रही है? वो सपना देख रहा था वहां पे। इसे देखो, पहले लाफा मारता है फिर खुद डरता है। तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था? मैं इमेजिका में था, वहां पर कितने बड़े बड़े राइड्स थे और मैं वहां पे कितना एंजॉय कर रहा था। और जैसे ही मैं आइसक्रीम खाने गया, तुम दोनों ने बिना वजह की मेरी नींद खराब कर दी। बिना वजह के नहीं, तुझे स्कूल के लिए उठाया। टाइम देख टाइम। तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? माँ, बालवीर, आपने इतने सुबह सुबह हमें यहाँ इमेजिका क्यों बुलाया? माँ, मैं ये सोच रहा था कि कैसे हमारे कुछ किए बिना इमेजिका वाले खुद बच्चों को यहाँ आमंत्रित करें। अरे वाह, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है बालवीर, लेकिन ये सब होगा कैसे? I'm sorry sir, मैं मीटिंग के लिए लेट हो गई। सर एक्चुअली वो रास्ते में ना एक आंटी को चोट लगी हुई थी और मैंने वो हॉस्पिटल लेके गई सर। प्रिया,
तुम जानती हो आज इमेजिका की कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। सबको अपने अपने आइडियाज देने थे कि सेल्स को डबल कैसे किया जाए, और तुम मीटिंग खत्म होने के बाद आ रही हो। यू आर फायर्ड। माँ, मिल गई युक्ति बच्चों को यहाँ लाने की। अरे वाह, कैसे? ऐसे। जाते जाते प्लीज मेरा आइडिया तो सुनते जाइए सर। ओके, जल्दी बोलो। सर, मैं सोच रही थी क्यों ना हम इमेजिका के कॉम्पिटिशन हर स्कूल में रखें, और जो बच्चे ये इमेजिका के कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं हम उन्हें इनाम के तौर पे फ्री पासेस दें। तो उससे क्या होगा? देखिए सर, जो बच्चे फ्री पासेस वाले यहाँ आएंगे, आपको तो पता है बच्चे यहाँ आते हैं तो खुश होके जाते हैं। सर देखिए, अगर हम 100 बच्चों को फ्री पासेस देते हैं तो वो 100 बच्चे 1000 से 2000 बच्चों को बताएंगे, और वो 1000 से 2000 बच्चे कई हजार बच्चों को बताएंगे। ऐसे में सर, आई मीन हमारी सेल डबल नहीं सर, ट्रिपल हो सकती है। ग्रेट आइडिया प्रिया, ग्रेट आइडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर अब देखिएगा इमेजिका का मैजिक और भी बढ़ जाएगा। वाह बालवीर, आपकी ये युक्ति तो बहुत ही अच्छी है। शाबाश, हमें गर्व है आप पर। शुक्रिया मां। मैंने भी इमेजिका का ऐड देखा और अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे इमेजिका ले चलो, पर उनका शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है इसलिए मेरे प्रोग्राम की टाइटल फिश हो गए। मैं जानता था एक ना एक दिन ऐसे ही होगा। प्रिंसिपल सर गए अपने पर्सनल काम के लिए बाहर, और पूरा स्टाफ गया मीटिंग के लिए, तो पूरी स्कूल की जिम्मेदारी मुझ पर। देवा, तुम मुझे संभाल लेना, मैं स्कूल संभालने की कोशिश करता हूँ। फोन किसका बज रहा है? स्कूल में फोन अलाउड? थैंक यू, सॉरी। हेलो। हेलो सर, मैं प्रिया बोल रही हूँ मैजिका से। मेरी प्रिंसिपल सर से बात हुई थी और उन्होंने आपका नंबर मुझे दिया। एक्चुअली मुझे इमेजिका कॉम्पिटिशन के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए, जल्दी से बताइए। लगता है हम इमेजिका खाली अपने इमेजिनेशन में घूमते रहेंगे। सही कहा बच्चों, हमारी इमेजिका की कल्पना ही रहेगी। नहीं बल्लू, हम रियल में इमेजिका जाएंगे। जब तू अपने चाचा के घर गया था तब हमने रानी पर से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें इमेजिका जाने में हमारी मदद करे, और मुझे पूरा यकीन है कि रानी परी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। बच्चों सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जल्दी इधर आ जाओ, जल्दी 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 यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम सबके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इमेजिका वालों ने अपनी स्कूल में इमेजिका कॉम्पिटिशन का आयोजन किया है। ये क्या? हाँ, और जो ये कंपटीशन जीतेगा उसे इमेजिका के फ्री पासेस मिलेंगे। ये इमेजिका वाले थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तो हम सच में इमेजिका जाएंगे? हाँ, इलाचो रट 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 रट। विद्यो, मेरे होते हुए तुम में से इमेजिका कोई नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे रास्ते में इतने स्पीड ब्रेकर्स खड़े करूंगा, तुम ये कंपटीशन जीत नहीं पाओगे। हाय बच्चों। हाय बच्चों, गजानन सर ने आप सबको इमेजिका कंपटीशन के बारे में तुम बता ही दिया होगा। यस मैम। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पासेस नहीं है। I mean, free passes मेरे पास नहीं है, लेकिन वहां है, वो देखो। मैम, वहां तो गुब्बारे हैं।
हाँ, इनमें से कुछ गुब्बारे हैं जिनके अंदर इमेजिका के फ्री पासेस छुपे हैं। आपको उन गुब्बारों में निशाना लगाना है। हर बच्चे को एक चांस मिलेगा। जिस बच्चे का लक और किस्मत उसका साथ देगी, उसे इमेजिका के फ्री पासेस मिल जाएंगे। सब बच्चे कान खोलकर सुन लो, वो जो बीच में लाल वाला गुब्बारा है ना, उसे कोई नहीं फोड़ेगा। मोंटू बेटा, हाँ सर, बच्चे कहाँ हैं? है ना पीछे मेरे। बेटा कितनी बार कहा, तुम खड़े रहते हो, कोई दिखता नहीं। बेटा पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये लो बेटा। लाल वाला कोई नहीं फोड़ेगा, समझे? लाल वाला फोड़ा तो देख ले। सर मैं उसे सिखा रहा हूँ कैसे मारते हैं। कोई मैं हूँ यहाँ पर। चलो चलो पीछे वापस लाइन में। ओके सर, ओके। मेरे को मेरे को बेस्ट ऑफ लग। रेड वाला गुब्बारा नहीं फूटना चाहिए। हाँ बेस्ट ऑफ लग। ये आपको डू वेल। चलो लाइन में जाओ। मुझे इमेजिका के पास मिलेंगे ना? अगर इमेजिका के सारे पासेस खत्म हो गए तो? मानव तो चिंता मत कर, बस अपने आप पे और अपनी किस्मत पे भरोसा रख, क्योंकि ये समय चिंता करने का नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पे ध्यान देने का है, समझा? Come on, चलनी! सचिन, all the best! निशाना नहीं लगना चाहिए। बॉस इसे गुदगुदी करे? मैं तुम्हें गुदगुदी करूं? नहीं बॉस, मैं समझ गया, हर दर्द का इलाज है मेरे पास। डायलॉग मारना बंद कर, काम कर। ओके ठीक है, करता हूं। फायदे भी करेगा क्या? देखते जाओ बॉस। सर जाम हो गया। ये लो बेटा। कॉन्सेंट्रेट मानव, कॉन्सेंट्रेट। मैजिक का जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा।
क्या बोलता है, फोड़ेगा? नहीं फोड़ेगा। तुझे कैसे पता? बस मुझे पक्का पता है इसका निशाना। है? बस मैं सब 500 की शर्त लगा सकता हूँ, ये ना आपका वो रेड वाला ही गुब्बारा फोड़ेगा। क्या? वे ऐसा मत बोल, अगर उसने वो लाल वाला गुब्बारा फोड़ा ना जिसके अंदर मेरा इमेज का पास है, तो उसके साथ तू तो फूटा। केवल मत फोड़ यार प्लीज। ना कौन सा बलून फोड़ना है? रेड वाला। क्यों? नहीं फोड़ना है। हाँ। उसके बाजू वाला फोड़ना है। गुड बॉय। अगर रेड वाला फूटा तो पता है तुम मुझे फोड़ दोगे। गुड बॉय। अब जा। अरे रोहित बेटा, वहां पर गुब्बारा है लेकिन इस वाले गुब्बारे को फोड़ना है बेटा, उल्टा उल्टा। कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स मोंटू, उसमें से पास नहीं निकला है। कॉन्ग्रेट्स बच्चों, कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स। कंपटीशन यही खत्म हुआ। जिन बच्चों को फ्री पासेस मिले हैं उनको कांग्रेचुलेशन, और जो बच्चे नहीं जीत पाए उनको बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम फिर वापस आएंगे। ये! ये! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है हम लोग सच में इमेजिका जाने वाले। हाँ, ये सब तो रानी परी का कमाल है। थैंक यू रानी परी, थैंक यू। अगर हम रानी परी से कुछ और भी मांगते ना तो वो भी मिल जाता। ओए सचिन, तू जरा लालच मत कर, जो मिला उसी में खुश हो। हेलो बच्चों। हेलो मैम। आप सब लोग कल मैजिक आने के लिए तैयार हो? यस। वेरी गुड। तो कल सुबह 10 बजे तक सब लोग मैजिक पहुंच जाना। 10 बजे? अगर हमें 10 बजे पहुंचना है तो सुबह 7 बजे निकलना पड़ेगा, और उसके लिए तो सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। अरे हम लोग तो पहुंचते पहुंचते थक जाएंगे, फिर एंजॉय कैसे करेंगे? यही तो गलतफहमी आप सबकी। इमेजिका पनवेल से सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर है। 10 बजे पहुंचने के लिए आपको घर से 1 या 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। वैसे भी 10 बजे पहुंचना मतलब क्या, हम लोग 11 बजे भी पहुंच जाएंगे तो भी चलेगा, है ना? नहीं, आपको 10 बजे ही पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्री पासेस है उसमें एक कंडीशन हमने रखी है कि फ्री पासेस वाले अगर 10 बजे के बाद आते हैं तो उन्हें इमेजिका में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको हर हाल में 10 बजे तक पहुंचना ही पड़ेगा। अरे मैडम, हम 10 बजे क्या 9 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ, और इमेजिका जाना तो हमारा सपना है, और हम अपना सपना पूरा करने के लिए कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। बजे मोंटू तो ग्रेटेस्ट लखानी, तुम लोगों को किसी भी हालत में 10 बजे से पहले इमेजिका नहीं पहुंचने देगा।